देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यूपी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ और है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक शो में उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर अभद्र टिप्पणी की गई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी को लेकर निर्मल कुमार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जी एंटरटेनमेंट के तमिल शो जूनियर सुपरस्टार सीजन 4 को लेकर एक शिकायत दर्ज की है और उनसे 7 दिनों के भीतर ही जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जूनियर सुपरस्टार सीजन 4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई और एक अभद्र सीन किया गया, जिसमें 10 साल के बच्चे ने ये दिखाया कि ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया और ब्लैक मनी जो करवाने वाले थे बंद, वो अब तरह तरह की जैकेट पहने इधर उधर घूम रहे हैं। जिसके बाद निर्मल कुमार को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने इसकी शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में की, जिसके बाद अब मिनिस्ट्री ने जी एंटरटेनमेंट से ये सवाल मांगा है कि आखिर जब आपको पता है कि ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हमारे देश के प्रधान है उनके खिलाफ ये बात करना सरासर गलत है, ऐसे में जी एंटरटेनमेंट की तरफ से ही क्यों पहले सवाल नहीं उठाए गए? तो आपकी इस पर क्या राय है कि क्या बच्चों को ये जानबूझकर करवाया गया या फिर बच्चों के दिमाग में आजकल खुद ये चीजें आ रही हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।